नमस्कार, राम राम, आदाब। आप सभी का ग्राउंड मीडिया बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक स्वागत ग्राउंड मीडिया को देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं आपको कि आज हम एक ऐसे खिलाड़ी के पिता के साथ हैं जिसने देश प्रदेश नहीं पूरी दुनिया के अंदर भारत माता का नाम चमका दिया है और भारत माता की झोली में स्वर्ण पदक डाले। छोटे से गांव खंदरा जो पड़ता है पानीपत जिला के अंदर, और हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही हम इन्हें बहुत भाग्यशाली कहेंगे, उनके पिता हैं सतीश कुमार जी हैं। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं और कितनी रंगत, कितना नूर आज इनके चेहरे पर। कहते हैं कि अगर औलाद कामयाब हो जाए तो माँ बाप की उम्र डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। और वही चीज़ हम देख रहे हैं, इनकी तंदुरुस्ती, इनके चेहरे के हाव भाव, फिजिकली मेंटली अब बहुत ही हमें खुशी हो रही है इनके साथ बैठकर, इनसे जुड़कर। हम भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हमें ऐसे व्यक्ति के पास बैठने का, बात करने का मौका मिला है जो आज पूरे देश का जो गौरव है उनके पिता हैं। कहते हैं कि ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो हम सभी दर्शकों से उम्मीद करेंगे कि अपने एक प्रार्थना भी करेंगे कि हर बच्चा, हिंदुस्तान का हर बच्चा, दुनिया का हर बच्चा अपने माँ बाप के पैरों के नीचे भगवान का घर देखे तो उसकी झोलियाँ भगवान खुशियों से भर देता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं सतीश जी से, जो उनके नीरज चोपड़ा जो आज पूरे दुनिया के चर्चा का विषय बने हुए हैं जैवलिन थ्रो के अंदर, ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीत कर। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम दुआ करते हैं कि आपके खेड़े बसते रहें, चलते रहें, और आपका परिवार जो है इस तरह देश का नाम, अन्य जो बच्चे हैं आपके, युवा बच्चे हैं परिवार के, आपके गांव के, देश प्रदेश से, इसी तरह भारत माता का नाम रोशन करते रहें, और ताकि भारत माता की झोली में इसी तरह स्वर्ण पदक जीत कर वो नाम रोशन करें। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत ग्राउंड मीडिया में आपका। तो सतीश जी, देशी भाषा समाज कर ले बात, चलन दू मिक्स होगी थोड़ी बहुत, मिक्स है, अच्छा मिक्स कर लेते हैं। चलो नहीं बताओ सतीश, और सतीश जी माफी चाहूंगा, आज देश के गौरव नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रो ट्रैक एंड फील्ड में उनके पिता होने पर कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल जी, बहुत बढ़िया लग रहा है कि बेटे ने जो गोल्ड मेडल देश की झोली में डाला है, उम्मीद से ज्यादा किया है, देश को भी, पूरे देश प्रदेश और गांव में मेरे सभी को एक तमन्ना थी, सबकी उम्मीद थी कि नीरज मेडल लेके आएगा, लेकिन मेडल का रंग गोल्ड में बदला, ये एक बहुत बढ़िया बात है। सतीश जी, दूसरा सवाल, बचपन में कैसा स्वभाव था, किस तरह से थे वो, कैसे रहते थे घर में, परेशान करते, तंग कर रहे थे, कहना मानते थे नहीं मानते थे, खेलों की तरफ जवाब भेजते थे या अपनी मर्जी से जाते थे, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। नहीं देखो, बच्चेपन में थोड़ा बहुत तो नटखट होता ही है बच्चा। कितना नटखट था? बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही होता है बस। माँ बाप को तो वैसे कम ही लगता हो कितना भी कर ले माँ बाप को तो हमेशा बच्चा यही दिखता है भाई बहुत ठीक है हमारा, वो तो दूसरा बताता है ना कि भाई ज़्यादा नटखट है तो दूसरे से पता चलता है। तो कभी शिकायतें भी आती थी घर में बचपन की किसी शरारत की वजह से? कुछ नहीं, एक आध बार तो ये लोकल में तो होता ही है, कभी बच्चों के आपस में पीठ पटा के बात होगी तो वो थोड़ा बहुत होता था, बाकी हमारे हिसाब से जो हम अपना मतलब सोचते हैं उस हिसाब से बहुत बढ़िया नेचर का था वो, शुरू में भी सबके साथ घुलने मिलने में एक्सपर्ट था। ये बात हमने गांव में की है, गांव के लोगों से चर्चा है तो कहते हैं उसे घमंड नहीं है, उसे किसी भी तरह का अभिमान नहीं है, जो जैसे अब वो स्वर्ण पद जीता है वो तब भी ऐसे मिलेगा जैसे पहले गाँव के लोगों से मिलता था, क्योंकि परिवार के संस्कार ही ऐसे दिए आपने। नहीं, आज भी वो जैसे अब घर पर आएगा ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई लोग उसको रोल मॉडल मानते हैं, भाई घर पे आके वो अपनी फैसिलिटियाँ दिखाएगा, ये करेगा वो करेगा, उसको इस चीज़ में कोई मतलब ये इंटरेस्ट नहीं है, वो जैसे अपना परिवार उठता बैठता है जैसे भी होता है वैसे ही वो अपना नेचुरल चलता रहता है, घर पे आके मतलब ये फील नहीं होता किसी को कि ये ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है, वो हमेशा नेचुरली होता है, नेचुरल होता है। तो ये संस्कार हैं आपके, जो अच्छे संस्कार दिए उन्हीं संस्कारों के पश्चिम पर चल रहे हैं वो, परमात्मा की दुआ, परमात्मा की भी कृपा है, बिल्कुल आप सही कहा आपने। तो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बात की, आज से पहले कभी किसी देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह से किसी भी खिलाड़ी को प्रोत्साहित नहीं किया, और उन्होंने खुद फ़ोन पर बधाई दी, तो उन्होंने अच्छे तरीके से बात की और हौसला बढ़ाया उनका। तो जब आपने ये चीज़ें देखी कि आज देश का जो प्रधानमंत्री है वो आपके बेटे को फ़ोन पर बधाइयाँ दे रहा है तो कैसा लगा उस समय? जी देखो, हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बच्चे को बधाइयाँ दी और गाइडलाइन दी
उसको बताया था गेम से पहले, जब टोक्यो जाने से पहले बातें हुई थी ऑनलाइन पहले भी जी, तो उसने बताया था कि किसी भी दबाव को अपने ऊपर आवी मत होने देना, अपने मन से खेलना, अपना बढ़िया बेस्ट देने की कोशिश करना, मेडल चाहे जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जो बहुत बड़ा काम किया है नीरज चोपड़ा ने, जो स्वर्ण पदक मिला है जैवलिन थ्रो के अंदर और सभी को पीछे छोड़ते पदक जीत गए, और जो अपना स्वर्ण पदक था वो सरदार मिल्खा सिंह जी जो थे हमारे उड़न सिंह जी ने कहा जाता है, बड़े सम्मान की दृष्टि से पूरा देश उन्हें देखता है। आज उनकी एक इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी उनकी, कि मैं चाहता हूं कि मेरे देश के लिए, मेरी भारत माँ के लिए, हिंदुस्तान के लिए कोई ऐसा युवा है जो देश के लिए ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक जीत के लाए, और वही उनकी इच्छा पूरी करते वो जो स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल है, उन्हें समर्पित कर दिया। तो इसे क्या मानते हैं? देखो, हमारे मिल्खा सिंह जी अब स्वर्ग सिधार गए हैं, 2 महीने पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी एक तमन्ना थी, उन्होंने बोला भी था कि जो अपने मन में जो कसक रही है, अपने 4-5 एथलीट हम जो इस रेस तक गए हैं, हमारी सब की एक कसक रह गई है भाई, हम एथलेटिक में मेडल नहीं जीत पाए, और हमें आगे ये सपना नीरज चोपड़ा के थ्रू पूरा होता दिख रहा है। ये बच्चा मेहनती है, और ये मैं, उन्होंने बोला कि मैं जब तक मेरी सांसें हैं भाई मैं ये एक मेडल देख के जाऊँ एथलेटिक में, ट्रैक एंड फील्ड में, वो सपना उसको नीरज में पूरा होता दिख रहा था। सर एक अहम सवाल, अगर आज सरदार मिल्खा सिंह जिंदा होते तो वो भी ज़रूर बहुत खुश होते, और अगर वो जिंदा होता आज उनसे क्या कहते आप? देखो, अगर वो आज जिंदा होते तो शायद हमारे से ज़्यादा खुशी मिल्खा सिंह को होती, और हम तो पता नहीं उतना प्यार दे पाए कि नहीं दे पाए, लेकिन अक्सर जो हम मिल्खा सिंह की बातें देखते थे फ़ोन पर या जैसे नीरज बताता था, तो बहुत अच्छे नेचर के इंसान थे, और बहुत ही उनका लगाव था कि भाई कोई बच्चा इवेंट में नया निकल के आए और बढ़िया कर पाए, जिसके मतलब देखने की उम्मीद थी उसकी वो अधूरी रहेगी, और अब वो पूरा हो पाया है। जहाँ कहीं भी अपने मिल्खा सिंह जी होंगे, हम तो ये कहेंगे कि वहीं जो मेडल की उनकी कसक थी वो उस उम्मीद को पूरा करें। सतीश जी, जैसे कि हमने सुना है गांव वालों से, कि दादी के परिवार से भी सुना है, दादी के बहुत लाडले थे, जब स्कूल से आता था नीरज तो दादी अपनी गोदी में बिठा के घी बुरा खिलाती थी, और वहीं गोदी में सो जाते थे, और जब सो जाते तो शाम को जब होती थी फिर उन्हें स्टेडियम की तरफ भेजने के लिए कहा जाता, जैसे हमें पता लगा पहले थोड़ा शरीर भारी था। तो इस फील्ड में जाने से पहले क्या किसी अन्य खेल में भी दिलचस्पी थी नीरज चोपड़ा की? नहीं, देखो बचपन में तो जैसे हमारी माता जी के लाड प्यार ज़्यादा थे, अब वो स्वर्ग सिधार गई हैं, नहीं हैं हमारे बीच, इस खुशी को शेयर नहीं कर पाई। अगर आज दादी जी जिंदा होती, आपकी माता जी जिंदा होती, तो उन्हें कितनी खुशी होती? शायद सबसे ज़्यादा इतनी खुशी होती, इतनी शायद मेरे पूरे परिवार को मिला के भी खुशी नहीं होती जितनी उसको खुशी है। वो सबको मतलब प्यारा तो सबको ही है, लेकिन उसको हमारी माता जी को इतना प्यारा था कि वो किसी को भी अगर वो कुछ मतलब चीज़ गिरा दी या कोई नुकसान हो गया तो किसी को बोलने भी नहीं देती थी कि जब तक मैं बैठी हूँ तुम इसको कुछ नहीं कर सकोगे। अच्छा, हाँ, इतना प्यार था। तो कहीं ना कहीं परिवार के मन में ये कसक है कि आज अगर दादी माँ जिंदा होती तो उनकी खुशी भी देख लेती जी। देखो, ये तो कसक हमेशा ही बनी रहेगी, क्यों, जो अपने घर के बुजुर्ग होते हैं ना वो एक परिवार का गौरव होते हैं। बुजुर्गों के बगैर हम कितना भी ऊँचे चले जाएँ हम अपना कद बढ़ा नहीं सकते, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान होते हैं। सतीश जी, जब हमने नीरज चोपड़ा की मम्मी से बात की थोड़ी देर पहले, तो मतलब जब हम बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, तो हमने पूछा था ऐसे आप, हम भी भावुक हो गए थे उनके इस तरह के माहौल को देखकर, तो क्या कहना चाहिए इस बारे में कि जब एक माँ का बेटा इतना बड़ा गौरव प्राप्त करता है, पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है, और उस माँ को भी सैल्यूट कर रहे हैं, माँ को भी सलाम कर रहे हैं जिसने उसे जन्म दिया है, और छोटे से गांव से निकलकर आज वो पूरी दुनिया की निगाहें उस पर है, क्या कहना चाहेंगे? जो माँ सरोज हैं, आपकी धर्मपत्नी हैं, वो भावुक होगी थी जी। देखो, बेटे के लिए माँ के पास अक्सर होता ही है, उनके भाई आए थे घरवाली के, तो भाई को देखकर वो ज़्यादा भावुक हो गई थी भाई। कल जैसे टाइम पे वो नहीं पहुंच पाए थे, उसके घर पे भी फंक्शन था मेरी ससुराल में, तो वहीं पे जो मतलब उसके मिलने वाले थे वो उसको अटेंड करने में लगे थे, या हमारे को टाइम नहीं दे पाए, उसी लिए उसको ये लग रहा था कि पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं आ पाए, तो उसी में जब मिले तो कसक थोड़ी होती है कि भाई नर्वस हो जाता है आदमी। सतीश जी, आज तमाम जो
भारत का मीडिया है, छोटा बड़ा मीडिया सभी आपके घर पे मौजूद है, और सभी जो मीडिया कर्मी हैं वो भी खुशी से नाच गा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के सामने नाच गा रहे हैं। तो जब इस तरह का माहौल हमने पहली बार देखा कि कोई जब कवरेज करने आता है और वो पत्रकार है या रिपोर्टर है वो भी बड़ी खुशी गर्व महसूस कर रहा है, इस बारे में क्या कहना है? देखो, मैं तो सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी एक उम्मीद लगा कर आते हैं कि हमें वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, दुनिया को प्रेरित करेंगे, इनको देख के कोई और प्रेरित होगा, कोई और बच्चा निकल के आगे आएगा। तो मीडिया में इसका अहम एक रोल होता है। जो इतने आदमी मेरे घर पे आए, मेरे को सेवा का मौका मिला, मैं सबका आभारी रहूँगा। चलिए सर, जितने भी मीडिया कर्मी हैं और हम देख रहे हैं घर के माहौल में, सभी के लिए आपने खाने का, पीने का, रहने का, सभी उनकी गाड़ियों वगैरह खड़े होने का काफ़ी प्रबंध किया, इसके लिए हम तमाम मीडिया की ओर से आपके शुक्रगुजार हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो एक आखिरी सवाल, जो टोक्यो ओलंपिक में जो हिस्सा लेने खिलाड़ी गए थे, जो स्वर्ण पदक के नज़दीक पहुँच कर थोड़े से अंतर से स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए, उन खिलाड़ियों की ओर से नीरज चोपड़ा के पिता का क्या कहना है? देखो, जिस भी माँ बाप का बच्चा थोड़े अंतर में अगर हारता है तो उस बच्चे की भी और उस माँ बाप की भी वो कसक अधूरी रह जाती है, वो पूरी नहीं हो पाती, चाहे वो मुंह से अपने ना बोले। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे खिलाड़ियों के लिए सतीश चोपड़ा के पिता, जो आज स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा, उसके पिता सतीश जी हैं आप, वो ऐसे खिलाड़ियों को किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि जो मुश्किल दौर होता है उसको भूल कर आगे हम नए जीवन से उसको नया संचार करके, नई मतलब अपनी टेक्निक अपना के उसको दोबारा दुगने गर्व से चालू करें और उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। चलिए, देश के अन्य जो युवा खिलाड़ी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल, नवयुवकों को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स का कहना मानो, जिस फील्ड में वो चलाना चाहते हैं और जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है, माँ बाप भी उस पर गौर फरमाए कि वो बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर पाएगा, उसकी अचीवमेंट को देख कर तब उसको तसल्ली दें कि भाई तू इसमें बढ़िया कर सकता है और इसमें बढ़िया कर। तो सुना आपने पूरी कहानी, हमने थोड़े से समय में आपको दिखाई जो नीरज चोपड़ा है स्वर्ण पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 के, और जो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, पूरी दुनिया को आज उन पर गर्व है क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा दिया उन्होंने अपने स्वर्ण पदक से लेकर, और सभी की इच्छा पूरी की, घर वालों की, परिवार की, देशवासियों की, जो भूतपूर्व खिलाड़ी थे, दिग्गज खिलाड़ी थे, सरदार मिल्खा सिंह को उन्होंने समर्पित कर दिया अपना गोल्ड मेडल। तो सतीश जी हैं हमारे साथ, नीरज चोपड़ा के पिताजी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमसे बात की और मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद किया, और मीडिया के लिए जो इन्होंने यहाँ प्रबंध किए हैं विशेष रूप से उनका फिर से कहना चाहेंगे, उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं ये, और ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं परिवार के लोगों की, जैसे चाचा हैं उनके नीरज चोपड़ा के, वो खाने माने के उनका सब तरफ पे विशेष रूप से ड्यूटी लगाई मीडिया कर्मियों के लिए कि कोई भी मीडिया कर्मी किसी तरह की यहाँ परेशानी ना हो, ताकि ये जो अभी जो आने वाला जो समय है 13 तारीख को नीरज चोपड़ा यहाँ पहुँचे हैं घर पे, तब भी मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत ना, इसका विशेष प्रबंध किया। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए, हम प्रयास करेंगे 13 तारीख को भी नीरज चोपड़ा से जुड़ने के लिए भी, और जब गांव में आएंगे दिखाएंगे आपको किस तरह का माहौल बनता है। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए, लगातार हम आपको गांव खंदरा से, जो पानीपत जिला में पड़ता है, छोटा सा गांव है, उसके युवा, एक 23 साल के युवा ने स्वर्ण पदक आज भारत की झोली में डाल दिया है, बहुत बहुत बधाई के पात्र एक बार फिर से। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ पानीपत के गाँव खंडरा से, या नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।